अनंगपाल तोमर ने दिल्ली बसाई। वो अनंगपाल तोमर हमारी जाट जाति के गौरव थे। उन्हीं के चाचा सम्राट सलक्षण पाल समन्त देव जिन्होंने देश खाप की स्थापना की। उस देश खाप से मैं भी उसी देश खाप से हूं। उन्हीं के नाम पर हमारा जो है सलक्षण हमारा गोत्र बना। आज उसको लोग हाईजैक करने की तैयारी में हैं। जो जाट नहीं थे वो राजपूत थे। क्या इस पर भी हमको विचार करने की जरूरत है? हमें इतिहास लिखने की जरूरत है, सिद्ध करने की जरूरत है कि दिल्ली को बसाने वाले जाट हैं, दिल्ली के शासक जाट रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, लाइव जनादेश में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र चौहान। इस वक्त का एक बड़ा मुद्दा जो कि कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश पनप रहा है, जिसको लेकर मैं बताना चाहूँगा। डॉक्टर सत्यपाल सिंह बागपत सांसद ने एक बड़े मंच से एक बड़ा बयान दिया है। उस बयान पर जो ठाकुर और राजपूत समाज को लेकर उन्होंने बड़ा टिप्पणी की है, उसको लेकर हम आए हैं। इस समय राजपूत समिति के अध्यक्ष हैं, हमारे बीच हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर क्या स्थिति है और क्या कहेंगे। एक जो मंच से डॉक्टर सत्यपाल बागपत सांसद ने बयान दिया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय जाट एक उन्होंने बनाया है मंच जयपुर में। उन्होंने अपना एक वीडियो उनकी वायरल हुई, उसमें कहा गया कि अनंगपाल तोमर को राजपूत हाईजैक कर रहे हैं। इससे राजपूत समाज में आक्रोश है, क्योंकि इतिहास हमेशा से रहा है जाटपूतों का कि अनंगपाल तोमर के बारे में जानेंगे कौन है। अनंगपाल तोमर पृथ्वीराज चौहान के नाना थे और दिल्ली के राजा थे और दिल्ली में राजपूतों का राज रहा। उन्होंने कहा कि जाटों की बसाई हुई दिल्ली है, तो इससे राजपूत समाज में आक्रोश है। अच्छा। वे कहते हैं कि भाई ये गलत कहा सांसद महोदय ने, और ऐसे एक IPS ऑफिसर्स और बहुत बड़े नेता उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। राजपूतों का अपमान समझते हैं राजपूत समाज इसमें अपना, क्योंकि जो बात रखनी थी उसमें राजपूतों का नाम ना लेते तो अच्छा था। अच्छा। ताकि वो ये कहते हैं कि जाटों के दिल्ली बसाई है, तो इसमें राजपूतों को ऑब्जेक्शन नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, राजी जी अगर दिल्ली बसाने की बात है, जाटों ने कहाँ से बसा दी? मैं बता ना, वो अपनी बात कहते, लेकिन वो जो कहा राजपूतों ने हाईजेक किया, उस पर राजपूतों में आक्रोश है। भाई अपनी बात व्यक्तिगत कोई भी कुछ कहे, माल्या कलम कहे कि बागपत हमने बसाया, तो कौन मना करता है कि भाई कहते बसाया होगा, लेकिन हम यहाँ के राजपूतों को चैलेंज करके कहें तो उसका तो एक नेगेटिव तो बनेगा ही ना। बागपत जनपद में लगभग 1 लाख राजपूत, 1 लाख से ज़्यादा राजपूतों की संख्या मानी जा रही है, वोटर जो मानते हैं। आपकी ज़्यादातर बहुत लोगों से बात हुई होगी, उनका क्या कहना, उनका क्या मत है इस बात को लेकर? देखिए, आप राजपूत समाज कहता है कि हमें सांसद जी के विषय में आक्रोश है और इसका हम विरोध करेंगे और इसके बारे में हम निंदा प्रस्ताव भी करेंगे। अच्छा। और निंदा प्रस्ताव की एक उन्होंने आज डेट दी है कि हम संडे में संभवतः इसका करेंगे। अच्छा। तो मैं राजपूत समाज के भी प्रतिनिधि हूँ, उनका विकास समिति का अध्यक्ष हूँ, तो मुझे तो साथ रहना आवश्यक है, क्योंकि मैं इन्हें छोड़ के नहीं जा सकता कि उन लोगों ने मुझे प्रतिनिधि बनाया है, तो मैं इनको छोड़ के नहीं जा सकता। सांसद जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, एक राज जयपुर के एक बड़े मंच से बयान दे रहे हैं, और बड़ा बयान जिसको देखा जा सकता है कहीं ना कहीं एक पूरे समाज को कलंकित करने वाली बात है ये। इसको लेकर अगर बात कहो पूरे देश के, हिंदुस्तान के सभी राजपूतों की बात करें, तो उसमें क्या समझते हैं? देखिए, आप हिंदुस्तान का राजपूत आहत हुआ इससे, क्यों? उन्हें लगा है कि हमारे राजाओं को जब हे दृष्टि से दूसरा अपना बनाएगा, उनको नीचा दिखाएगा, और जो लोग वास्तव में राजा थे तो उनके विषय में अच्छी धारणा होनी चाहिए, हर अधिकारी की भी और हर नेता की भी, क्योंकि हमें किसी का अपमान करने की आवश्यकता नहीं है। बस डॉक्टर सत्यपाल 2 बार बागपत से सांसद लगातार हैं, क्या तीसरी बार 2024 के चुनाव को क्या उन्हें खतरा लग रहा है? जो जाटों की कोली भरने की बात आ रही है लोगों के मन की बात, ये हमको नहीं समझ में आ रहा है कि वो इतना कुछ क्यों कह गए, जबकि राजपूत समाज तो भाजपा से जुड़ा हुआ है और लगभग 99% वोट सांसद जी को ही मिला है, और सांसद जी को देखना चाहिए कि जो वोट आपके पीछे है, आपके साथ है, तो उनका सम्मान करें, उनका अपमान न करें कहीं ऐसे मंच पे, ताकि वो अपने आप को आहत समझें। ये हमारा एक अवधारणा है, उनके विषय में कहना है डॉक्टर साहब के, कि वो ऐसा कुछ ना करें, ऐसा कुछ ना बोलें उस समाज के बारे में जो समर्पित है भाजपा को। जिस तरीके से बताया, यानी राजपूत समाज में एक रोष साफ तौर पर दिख रहा है, अब देखते हैं ये रोष, ये चिंगारी कहां तक जाएगी, कितने बड़ी आग में बदलेगी, या फिर कहीं ना कहीं डॉक्टर सत्यपाल अपने कहे हुए शब्द वापस लेगा। बने रहिए देवेंद्र चौहान के साथ और फिर इसकी ताज़ी अपडेट देंगे, यानी आने वाली जो संडे है, इतवार के दिन जो एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है राजपूत समाज की।
अनंगपाल तोमर ने दिल्ली बसाई। वो अनंगपाल तोमर हमारी जाट जाति के गौरव थे। उन्हीं के चाचा सम्राट सलक्षणपाल समंतदेव जिन्होंने देशखाप की स्थापना की। उस देशखाप से मैं भी उसी देशखाप से हूं। उन्हीं के नाम पर हमारा जो है सलक्षण हमारा गोत्र बना। आज उसको लोग हाईजैक करने की तैयारी में हैं कि वो जाट नहीं थे, वो राजपूत थे। क्या इस पर भी हमको विचार करने की जरूरत है? हमें इतिहास लिखने की जरूरत है, ये सिद्ध करने की जरूरत है कि दिल्ली को बसाने वाले जाट हैं, दिल्ली के शासक जाट रहे हैं।